जय संतोषी माता की। माँ संतोषी माँ को माँ दुर्गा का सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल पर विराजमान है। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन धान्य और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण देवी संतोषी माता कहा जाता है। हर शुक्रवार को माता की पूजा करी जाती है और 16 शुक्रवार तक इनके व्रत रखने का विधान है। माँ संतोषी माता की व्रत की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था, कुछ नहीं काम करता था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उनमें से जो कुछ जूठन बचती थी वो 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। बहू बोली, हंसकर के देख लो, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके करने आए, उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, अब उठ जा और खाना खा ले। वह कहने लगा, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपनी माँ से बोला, माँ तुम मुझे जूठन खिलाती हो, आज मुझे बहुत दुख हुआ है और अब मुझे पता चला कि तुम मुझे कैसा खाना खिलाती हो। अब मैं परदेश जा रहा हूँ माँ, मैं कुछ कमा कर ही वापस लौटूँगा। तो उसकी माँ कटु वचन बोलती हुई कहती है, कल जाता है तो आज ही चला जा। इस तरह के कटु वचन सुनकर वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई, वह गौशाला में उपले ताप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम तो परदेश जा रहे हैं, तुम आनंद पूर्वक अपने घर रहना और संतोष पूर्वक सारे काम अपने करते रहना। वह बोली, जब उसने सुना कि मेरा पति जा रहा है तो उसने वह बोली कि मेरे पास आपकी कोई निशानी नहीं है, मुझे कोई निशानी दे दो। तो उसका पति बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है सो तुम ले लो, पर अपनी कुछ निशानी भी तो मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा, वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक लड़के की ज़रूरत भी थी, वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर हम दाम देते हैं। साहूकार के यहाँ नौकरी मिली, वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब ग्राहकों का माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार और उसके और भी जो नौकर थे वह सब देखकर चौंक गए कि ये कितना होशियार है और इसने कितना जल्दी सारा काम सीख लिया है। 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार साहूकार ने उसे बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर विदेश चला जाता है। इधर उसकी पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। घर पर काम करा के लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसे रख दी जाती थी और फूटे नारियल में पानी दिया जाता था। एक दिन वह जब लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी तो रास्ते में कुछ स्त्रियाँ उसे पूजा करती हुई दिखाई देती हैं। तो वह उन स्त्रियों से पूछती है कि बहन तुम किस देवी या देवता की पूजा कर रही हो, मुझे भी तो बताइए, और बहन इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी
तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी और वह वहाँ से चल देती है। जब वह रास्ते में अपनी सर पर रखी हुई लकड़ियों को बेककर थोड़े से गुड़ और चने खरीद लेती है और शुक्रवार के व्रत की तैयारी शुरू कर देती है। फिर वह पूरी श्रद्धा भाव से प्रति शुक्रवार व्रत करने लगी और शुक्रवार का व्रत करते करते जब उसे तब वह एक दिन माता के मंदिर जाती है और माता के चरणों में लौटने लगती है और बोलती है, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, माँ मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता और दूसरे को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ जाता है। वह आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर जाकर चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रश्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, यह भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। यह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध नहीं लेता है। वह बोला, हे माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं हुआ है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहाकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाना और दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी भारी ढेर लग जाएंगे। अब बूढ़े की बात वह माता की बात मानकर संतोषी माता का घी का दीपक जलाकर दुकान में जा बैठता है। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। उसके दुकान पर बहुत सारा धन भर जाता है, नगद दाम दे सौदा करने लगते हैं, शाम तक धन का भारी ढेर लग जाता है। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत वह घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है और वहाँ वह उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान होता है। धूल उड़ती ही देखकर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती हैं, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर ले ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रश्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गाँव गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय आंगन में
सिर पर लकड़ी उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से तीन आवाज़ लेती है, देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, हाँ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से ये सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती है, चार पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा तुझे भी देखा, अब हम दूसरे घर की ताल चाबी दो, हम मैं वहीं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान पर जाकर रहने लगते हैं और कुछ एक दिन में राजा के महल के जैसे ठाट वाट उनके बन जाते हैं और बहुत सुख भोगने लगती है। इतने में शुक्रवार आया, उसके उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगती है। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है, देखकर अरुचि हो रही है। वह कहने लगी कि भाई खटाई किसी को नहीं दी जाए, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने बहुत क्रोध किया और राजा के दूत उसे उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, वह सब मालूम पड़ जाएगा, यह जेल में मार खाएगा। बहू ने यह सहन नहीं हुआ, रोती ही माता के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया, हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। कहती है, माँ मैं आपका उद्यापन दोबारा करूँगी। माँ बोली, अब तुम ये भूल मत करना। और माँ से ऐसा कहकर वह मंदिर से जाती है। रास्ते में उसको उसका पति मिलता है, वह बोलती है, आप कहाँ गए थे। तो उसका पति कहता है कि मैं इतना पैसा जो कमा के लाया हूँ वह मैं राजा को टैक्स देने भरने गया था। वह प्रश्न होकर बोली, अच्छा हुआ, चलो अब घर चलते हैं। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो खुशी पूर्वक करो। फिर वह जिठानी के लड़कों को नौता देती है और वह भोजन करने आते हैं। जिठानी ने उन लड़कों को दोबारा से वही सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। तो लड़के भोजन करने से पहले ही बोलते हैं, हमें खीर नहीं, हमें तो खटाई चाहिए। तो वह कहती है कि नहीं, आज मैं तुम्हें खटाई नहीं दूंगी, तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। फिर वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और उनको विधि पूर्वक अपना उद्यापन करती है और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करती है। और उसी उद्यापन के बाद नवे मास में उसे एक चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति होती है। माता की कृपा से वह प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन बिताती है और पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन-भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखती उसकी सास चिल्लाई, देखो रे ये कौन चुड़ैल हमारे घर आ गई है, भगाओ इसको भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। वह स्त्री अपनी खिड़की में से देखती है और चिल्लाती है कि सासू माँ ये तो वही मेरी माता हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ, प्रतिदिन मैं इनकी पूजा करती हूँ, आज वह हमारे घर आई हैं। और अपने बच्चे को दूध पीते हुए हटाती है। इतने में सास का क्रोध आता है, कहती है, अरे इतनी उतावली क्यों हो रही है, कहाँ जा रही है। इतने में माँ के प्रताप देखकर उसकी माँ भी
बोलती है, अरे ये तो माता संतोषी माता है, हे माँ संतोषी हमें माफ़ करें, और माता के चरण पकड़ लेती है और विनती कर कहने लगती है, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, हमने आप तुम्हारा व्रत भंग करा है, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हे जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता सभी पर प्रसन्न होती है और उनको मनवांछित फल प्रदान करती है। उसी प्रकार जो भी माता संतोषी का व्रत करता है और कथा सुनता है सुनाता है तो उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय माँ संतोषी माता की जय।